वन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे सभी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस यूट्यूब पर सबसे पहले पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और वन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2018 के स्वतंत्रता दिवस पर मोदी जी के भाषण की 10 मुख्य बातें। आइए जानते हैं वो बड़ी मुख्य बातें क्या है। हमारे देश भारत के 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित कर रहे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, 4 साल में देश बदल रहा है, आकाश वही है, पृथ्वी वही है, लोग, दफ्तर, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन अब देश बदल रहा है। उन्होंने कहा कि देश की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं बहुत हैं, उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को नियंत्रण प्रयास करना होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनका मंत्र सबका साथ सबका विकास है और इसमें कोई तेरा मेरा नहीं और कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। हर भारतीय का कौशल विकास हो, हर भारतीय को आवास मिले, हर भारतीय को सुरक्षा मिले, इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। आज हम कारोबार की सुगमता में अच्छी रैंकिंग पर पहुंचे हैं। हर कोई आज भारत की रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म नीति की तारीफ कर रहा है। आज मेरा सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर मुझे देश को एक और खुशखबरी देने का अवसर मिला। साल 2022 यानी आज़ादी के 75वें वर्ष में और संभव हुआ तो उससे पहले ही भारत अंतरिक्ष में तिरंगा लेकर जा रहा है। हर भारतीय के पास अपना घर हो, हाउसिंग फॉर ऑल, हर भारतीय के घर में बिजली कनेक्शन हो, पावर फॉर ऑल, हर भारतीय की रसोई घर धुआं मुक्त हो, क्लीन कुकिंग फॉर ऑल, हर भारतीय के घर में जरूरत के मुताबिक जल पहुंचे, वाटर फॉर ऑल। जम्मू कश्मीर के लिए अटल जी का आह्वान था, इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत। मैंने भी कहा है, जम्मू कश्मीर की हर समस्या का समाधान गले लगाकर ही किया जा सकता है। हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जयंती पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 3 तलाक के कारण मुस्लिम महिलाओं के साथ गंभीर अन्याय होता है। इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ लोग इसे खत्म करने नहीं देना चाहते हैं। मैं मुस्लिम बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैं बेसब्र हूं क्योंकि जो देश हमसे आगे निकल चुके हैं, हमें उनसे भी आगे जाना है। मैं बेचैन हूं हमारे बच्चों के विकास में बाधा बने कुपोषण से देश को मुक्त कराने के लिए। मैं व्याकुल हूं देश के हर गरीब तक समुचित हेल्थ कवर पहुंचाने के लिए, ताकि वो बीमारी से लड़ सके। 13 करोड़ नौजवानों ने मुद्रा लोन लिया और आज अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का विस्तार गांव तक हो रहा है। 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर देश भर के गांव में चल रहे हैं। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं। कई नई फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। सरकार का पूरा ध्यान कृषि क्षेत्र में बदलाव और आधुनिकता लाने का है। बीज से बाजार तक योजना ने सराहनीय कार्य किया है। त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल के कई भागों में आतंक का खात्मा हुआ और ऐतिहासिक रूप से शांति की स्थापना हुई है। 126 लेफ्ट कट्टरपंथियों को 90 जिले तक सीमित कर दिया है। हम पूरे देश में शांति के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी ने यह भी कहा कि अगर हम 2013 की रफ्तार से चलते तो कई काम पूरा करने में दशकों लग जाते, लेकिन 4 साल में बहुत कुछ बदला है और देश आज बदलाव महसूस कर रहा है।